छात्रा मीनाक्षी हत्याकांड को लेकर विभिन्न संगठनों पार्टियों के द्वारा लगातार गुस्सों का इजहार प्रदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को AISF के द्वारा मीनाक्षी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च का नेतृत्व अंबेडकर कुमार और ऋषभ कुमार कर रहे थे। उक्त कैंडल मार्च में लोग बीरपुर थाना अध्यक्ष की तबादले की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन हाय हाय अपराधी को गिरफ्तार करो इत्यादि नारे लग रहे थे। कैंडल मार्च पार्टी कार्यालय से शुरू होकर बीरपुर बाजार होते हुए बीरपुर पंचमुखी पुल चौक पर पहुंचकर मौन सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए अंचल सचिव ऋषभ कुमार ने कहा कि बीरपुर थाना सहित पूरे बिहार में NDA सरकार में अपराधी का मन सातवें आसमान पर है। हर दिन डकैती, बलात्कार, मर्डर जैसी संगीन घटनाएं सरकार के संरक्षण में हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीरपुर थाना अपराधियों से सांठगांठ है। वहीं अंबेडकर कुमार ने कहा कि यदि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो राज्य भर में AISF के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, पिछले दिनों 13 फरवरी को जो बीरपुर के पानापुर से एक लड़की अपने घर से बिस्किट खरीदने जाती है और उसका अपहरण हो जाता है, और जब उसका लाश बरामद होता है तो उसके लाश बहुत आपत्तिजनक स्थिति में बरामद होता है, और जब यहाँ की पुलिस प्रशासन उस लाश को जब पोस्टमार्टम करने के लिए भेजती है तो बहुत शर्म से ही लिखती है कि लड़की को डूबकर मर गई या डूबाकर मार दिया गया, जबकि लाश देखने से वहाँ के ग्रामीण और उनके परिजन ये कहते हैं कि उनके नीचे का जो कमर के नीचे का जो वस्त्र था वो नहीं था। तो इससे साफ पता चलता है कि लड़की का बलात्कार हुआ है और तब उसके बाद उसका हत्या हुआ है। और हम लोग आज इस कैंडल मार्च से बेगूसराय प्रशासन को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोग यह एक सांकेतिक प्रदर्शन अपना ये विरोध प्रदर्शन दर्ज किए हैं। अगर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम पूरे बेगूसराय में एक रोज पूर्ण आंदोलन करने का काम करेंगे, जिसका सारा जिम्मेदार बेगूसराय के SP होंगे। और आपको साथ ही साथ बता देना चाहते हैं, बीरपुर पुलिस प्रशासन इतना फेलुअर है कि पिछले दिन मात्र 200 मीटर के दूरी पर बैंक लूटा जाता है, और उससे पहले विक्रम पोदार की हत्या थाना के अंदर हो जाती है, और उसके बाद ये हो जाती है। इसके यह पता चलता है कि बीरपुर में आपराधिक घटनाओं की स्थिति पूरा चरम पर है और बीरपुर प्रशासन सिर्फ सोए हुए है। देखिए, आप जानते हैं कि 13 फरवरी को जो मीनाक्षी हत्याकांड होती है वह काफ़ी शर्मनाक है, खास करके बीरपुर पुलिस प्रशासन के लिए यह बहुत ही घटिया कहा जा सकता है कि वह अभी तक जो है किसी तरह का उद्भेदन नहीं कर सका है। और आप पहले भी जानते हैं कि पिछले दिनों विक्रम हत्याकांड हुई थी, थाना में कोई भी लोग शरण लेते हैं कि मैं किसी तरह से बच करके सुरक्षित रह सकूं, लेकिन मैं बता दूं कि बीरपुर थाना में विक्रम हत्याकांड होती है जो कि फांसी से बंधे से उसका लाश मिलता है। कुछ दिनों पहले आप सुने होंगे कि थाना से मात्र 100 मीटर या 200-500 मीटर की दूरी पर बैंक लूटा जाता है। कुल मिलाकर यूँ कहा जाए कि बीरपुर थाना हर जगह असफल साबित होती रही है। इतना शर्मनाक की बात है कि हर आए दिनों, हर साल 6 महीने में तरह तरह की घटना होती रहती है। बीरपुर पुलिस प्रशासन हर मिसाल पर असफल साबित होती आ रही है। मैं यह दावा करता हूँ कि बीरपुर पुलिस प्रशासन अगर इस मीनाक्षी हत्याकांड का उद्भेदन जल्द से जल्द नहीं करती है और हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है तो ये AISF पूरे बिहार में उग्र आंदोलन करेगी, बीरपुर थाना को घेर कर, और वहाँ पर पूरी तरह से हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और ख़ास करके अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने का काम करें।